नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बडगाम से, जहां पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है। बडगाम में मोचवा इलाके में आज सुबह से ही एनकाउंटर चल रहा था। मारे गए आतंकवादी के पास से AK-47 सहित कई हथियार बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है। पूरा इलाका सील कर दिया गया है। मारे गए आतंकवादी की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। बडगाम का मोचवा इलाका, जहां पर एनकाउंटर सुबह से ही जारी था और इस बीच मारे गए आतंकी के पास से हथियार बरामद हुए हैं। अशरफानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, पूरे इलाके की घेराबंदी हो गई है, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्या अभी की वहां की खबर, हालात क्या है? नवजोत, दरअसल ये बडगाम जिले में मोचू इलाका आता है, लेकिन ये श्रीनगर शहर के बहुत करीब है और श्रीनगर शहर के आउटस्कर्ट्स में ही इसको शुमार किया जाता है। दरअसल कल शाम को सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि मोचू इलाका, जो कि श्रीनगर के बिल्कुल पास पड़ता है, वहां पर कुछ मिलिटेंट छुपे हैं, जिसके बाद साझा तौर पर तलाशी अभियान शुरू हुआ था, जिसमें एक मिलिटेंट जो है अभी तक मारा गया है। और पुलिस का कहना है कि संभवतः ये है कि ये हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले ही जो है आतंकवाद से जुड़ा था, जिसको मारा गया है। उसके कब्जे से, जैसे आपने कहा कि पुलिस का कहना है कि एक AK-47 राइफल और एक पिस्टल बरामद हुआ है। फिलहाल एहतियात के तौर पर इलाके की तलाशी की जा रही है, लेकिन संभवतः सिर्फ एक ही आतंकी था जिसको इस ऑपरेशन में मारा गया है। बिल्कुल, नजर बना रखिए। शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए।